हेलो गाइस, तो क्या हाल चल हुई। आज आपके लिए बहुत ही शानदार धमाकेदार वीडियो लेके आऊँ जिसको देख के यार आपको बहुत ही ज्यादा मजा आ जाएगा। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं आज की वीडियो प्ले। हेलो हेलो, हाँ वेल्डिंग करते हो भाई साहब आप? हाँ, तो ये कह रहा था कि वो सुरेश नई सड़क वाले। कौन सुरेश? अरे इंदौरी गेट बनाया ना अभी आपने, परसों नरसों बना के दिया उनको। हाँ बनाया तो। वेल्डिंग करवानी थी, हो जाएगी क्या? हाँ हो जाएगी, दुकान पे ले आना। दुकान पे नहीं, दुकान पे तो लेके आऊंगा भाई साहब। क्या फोन पे भी कर देते हो क्या? मेरा मतलब ये, आज नहीं हो पाएगी, कल लेके आना दुकान पे। कल कितने, कब ले आऊँ दुकान पे? कल सुबह ले आना। कितने बजे? 3:30-4 बजे तक ले आऊँ सुबह? 3:30-4 बजे? दिमाग खराब हो गया क्या? नहीं तो मतलब तुम कह रहे थे ना सुबह, तो मैंने कहा कि सुबह जल्दी उठ जाऊंगा फिर मैं। अरे जो दुकान खुलने का टाइम होता है 10 बजे के बाद में लेना भैया, इतना भी नहीं मालूम क्या। तो ये कह रहे थे कि उस पे नसैनी पे करवानी थी, तो सही कर देना जरा यार नसैनी। हाँ ले आना। ये बता रहे थे कि जैसे नसैनी जो है ना हमारी, वो उसमें 10 पाए लगे हुए हैं, 10 जैसे पैर रखने के वो होते ना स्टेप ऐसे। हाँ 10 लगे हैं। हाँ तो मतलब आपको कैसे मालूम? अरे तो नसैनी में लगे ही होंगे ना पाए तो। नहीं तो सब में लगते हैं क्या 10 ही? आप बता रहे हो तो। हाँ जैसे 10 लगे ना, तो हम क्या करते हैं, जैसे अपने जमीन पे से आंगन में से हमको छत पे जाना होता है ना नसैनी पे से, तो वो क्या है कि जैसे हम पहले पाए पे पैर रखते हैं ना, फिर दूसरे पे रखते हैं पैर तब भी ऊपर हो जाते हैं हम थोड़े से, उसके बाद तीसरे पे रखते हैं तो तीसरे पे नहीं रख पाते, नीचे रह जाता है दूसरे पे, टूटा हुआ है ना तीसरा पाया। अच्छा तो उसको ले आओ ना यार, कल दुकान पे ले आना, कर देंगे सही कर देंगे। किसको ले आऊँ, पैर को? अरे भैया नसैनी का पाया टूटा है कि पैर टूटा है? नहीं तो पैर पे भी, जैसे हड्डी वड्डी टूट जाती है तो पैर पे भी कर देते हो क्या वेल्डिंग? पैर पे नहीं करते, नसैनी की बात कर रहे हो ना आप अभी? हाँ नहीं मैं उसी के कह रहा था, तो मतलब हो जाएगा ना? हाँ हो जाएगा नसैनी ले आना। हाँ तो ये कह रहे थे कि आग वाग नहीं लग जाए उसमें नसैनी में। वेल्डिंग करते आग लगती है कहीं? नहीं नहीं तो नसैनी लकड़ी की है ना। दिमाग खराब हो गया क्या? नहीं तो देख लो मतलब हो जाए तो। क्या देख लो उसमें, मतलब देखने की क्या बात है उसमें? तुम एक काम करो भाई, तो हम तुम्हें एक इलाज बता दे रहे हैं भाई, तो तुम अब ताप लो, सर्दी आ गई। बाकी तो अब एक पाया तो टूट गया, बाकी 9 पाए और निकाल निकाल के ताप लो। अच्छा अच्छा, मतलब उस पर नहीं हो पाएगी फिर? नहीं हो पाएगी यार भैया, तू जनरेटर पे लगाए। तो बाल्टी और थी, बाल्टी पे कर दोगे क्या? अच्छा बाल्टी लकड़ी की तो नहीं है? अरे नहीं नहीं तो सर, अब लकड़ी की होती रहेंगी क्या सारी चीजें? अब मेरे को इतना आइडिया नहीं था कि उस पे होनी पाएगी, तो तुम तो ऐसे सोच रहे हो कि अब सब चीज लकड़ी की होंगी क्या हमारे यहाँ? तो क्या कि जैसे हम क्या बाल्टी को लेके जाते हैं, उसमें तली में छेद हो गया शायद, कह रहा हूँ जैसे हम बाल्टी में पानी भर के नहाने के लिए जाते हैं ना, तो एक लोटा पानी लिया हमने और सर पे डालते हैं, साबुन वाबुन लगाते हैं, जब तक झाग बन पाते हैं जब तक पूरी बाल्टी खाली हो जाती है, और रिस जाता है पूरा पानी नीचे निकल जाता है, फिर हमको तौलिया से साबुन पहुंचना पड़ता है, कपड़े पहनो फिर बाल्टी में पानी भर के लाओ, फिर आओ फिर साबुन लगाओ, फिर निकल जाता है। इतना लंबा चौड़ा क्यों बता रहे हैं? बाजार सीधे से कह रहे हो ना, बाल्टी में एक छेद है, उससे वेल्डिंग करवानी है। हाँ तो मतलब वही तो बता रहा था ना, पूरी समस्या हो जाती है ना उससे। नहाने की प्रोग्रामिंग बता रहे हैं मेरे को, तो उस पर वेल्डिंग हो जाएगी? हाँ हो जाएगी। तो फिर वो पिघल तो नहीं जाएगी बाल्टी? पिघल तो नहीं जाएगी। हाँ मतलब प्लास्टिक की है ना वो बाल्टी? अरे यार कभी लकड़ी में वेल्डिंग करवा रहे हैं, कभी प्लास्टिक में करवा रहे हैं, क्या दिमाग खराब हो गया क्या? नहीं दिमाग तो खराब नहीं है, ये नसैनी और बाल्टी खराब हो गई थी बस। करवाई नहीं है क्या? पहली बार वेल्डिंग करवा रहे हो क्या? तो अपने दिमाग पे वेल्डिंग करवा लो। और फोन रख रहा हूँ मैं। नहीं तो भाई साहब मैं कोई मतलब गलती की बात थोड़ी ना कर दी, अब मेरे को मालूम नहीं था तो। अरे यार लकड़ी पे वेल्डिंग करवा दो, कभी प्लास्टिक को वेल्डिंग करवा दो, गलती की बात नहीं कर दी, क्या बताए? एक मिनट भाई साहब, अब मैं ये कह रहा था सुनो तो। मजाक कर रहे हो क्या? कर रहे थे? अरे नहीं भाई साहब मजाक नहीं, ये कह रहा था हमारे इंदौरी गेट है तो क्या जैसे दरवाजा खुलता है ना, तो बिल्कुल मतलब कोई भी आवाज नहीं होती उसमें, तो क्या के लिए दिमाग खराब करे यार? दरवाजा खुलता है तो अंदर चले जाते हैं, कभी ऊपर चले जाते हैं, क्या है? कभी नसैनी के पाए पे नहीं पहुंच पाते, कभी बाल्टी में नहीं पाते, क्या हो रहा है ये? नहीं अब तुम तो गुस्सा हो रहे हो, तो मैं अपनी समस्या बता रहा था बस, काम करवाना है ना। आगे बता दे, दिमाग क्यों खराब कर रहे हैं? तो जैसे लकड़ी का दरवाजा उस पे तो हो ही नहीं सकती ना, तो हम क्या के जैसे अब वो खिड़की आती है, खिड़की बनी हुई है हमारे 3 फुट दरवाजे से दूर बनी है, वो लोहे की एंगल है उसमें, तो ज्योग्राफी क्यों बता रहे हैं मेरे को भैया? जो काम मैन है वो बताते जाओ। नहीं तो वही तो बता रहा हूँ, उसमें एक कांच लगा, कांच चटक गया उस पे कर देंगे। हेलो फोन रख रहा हूँ। ए भाई साहब फोन काहे के लिए, मतलब कांच पे देख लो। कभी कांच पे वेल्डिंग करवाना, कभी लकड़ी पे करवाना, कभी प्लास्टिक पे करवाना। नहीं तो तुम तो गर्म होते चले यार। नहीं अगर फ्री घर से फालतू बैठा तो कुछ उल्टा सीधा सुनने के लिए फोन लगाया है क्या? नहीं नहीं सुनाने के लिए फोन लगाया था, रेडियो चस्का से कबीर बोल रहा था, भेजा फ्राई कर रहा था आपका। अरे भैया कबीर दादा बता दो दिया करो, भेजा फ्राई करने से पहले लड़के बताते रहते, तुम बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रहे हो, बहुत अच्छा। तो रुकती भेजे की नसे लादी पूरी।